जगह आ चुकी हूँ। अभिषेक ऑलरेडी घर पे था, मेरी वेट कर रहा था। एंड वन मोर थिंग, हम लोग दो दिन से नहीं मिले, तो ऐसा पहली बार ही हुआ है क्योंकि हम रोज ही मिलते हैं। तो अभी देखते हैं अभिषेक का रिएक्शन होगा, मैंने तो बड़ा मिस किया उसे। और सेकंड चीज ये कि मैं आप लोगों को बताना चाहती थी हमारे इस वाले ब्लॉग का टॉपिक। ओह, इसे तो मैं भूल गई। हाय ज़ोई, हाय करदा, हाय। हाँ, तो आपको बताना चाहती थी इस वाले ब्लॉग का टॉपिक। इस वाले ब्लॉग का टॉपिक है कि अभिषेक ने मुझे अपने घर बुलाया है उसकी वार्डरोब सेट करने। तो पहली चीज तो मुझे इतना दुख है ना, क्योंकि आज मुझे इतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा टास्क है। बिकॉज अभिषेक की कार, अभिषेक का घर, अभिषेक का रूम बहुत ही गंदा होता है, बहुत ही गंदा एक्सट्रीमली, क्योंकि वो बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं करता और वो इस मामले में बहुत ज्यादा लेजी सा भी है। तो इट्स ओके, मैं करूंगी, उसने मेरे को ये टास्क दिया है। तो अभी चलते हैं अभिषेक के घर पर। अभिषेक के घर जाने से पहले मैं आपको उसकी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कार के अंदर का व्यू दिखाऊंगी। गेट रेडी पीपल। अभिषेक, हाय फ्रेंड्स। तो हम सभी को आजकल पैसा कमाने की बहुत जरूरत है और मैं पैसा कमाने के लिए इस साइट का यूज करता हूँ। मैंने थोड़े टाइम पहले इस साइट पे 7,000 रुपीज जमा किए थे और आज मेरे बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा है। तो आप देखना चाहते हैं आसानी से पैसा कैसे कमाया जाता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आज हम बैकरेट नाम का गेम खेलेंगे forabit.com पर, जो कि लाइसेंस प्लेटफॉर्म है। चलो गाइस, बैंकर फील्ड पे हम अपनी फर्स्ट बैट लगाते हैं और मेरा मानना है कि हम इसमें जीत जाएंगे। चलो गाइस, लेट्स गो। और वाओ, मैं जीत गया हूँ 97,750 रुपए। चलो एक बार और खेलते हैं, इस बार प्लेयर फील्ड पे बैट लगाते हैं। चलो गाइस खेलते हैं। और ये मैं जीत चुका हूँ 30,000 रुपीज। यहाँ से जीता हुआ अमाउंट आप आसानी से विड्रॉ करवा सकते हो, वो भी कुछ ही सेकंड्स में। अगर आप मेरा लिंक फॉलो करते हो फ्रॉम डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट, तो आपको वेलकम बोनस भी मिलेगा। इट्स टाइम टू प्ले एंड विन, गुड लक। मैं नीचे आ चुकी हूँ जैसा कि मैंने आपको बोला था, और अब मैं अभिषेक को बाहर बुलाती हूँ, उससे कहूंगी कि अपनी कार अनलॉक करो। पहले तो वो बहुत सवाल करेगा कि वो क्या करेगा, ठीक है, पर इट्स ओके, लेट्स गो। उससे मैं बुलाती हूँ, बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ। तो ये रही अभिषेक की कार और वहाँ पे अभिषेक रहता है, वहाँ पे। अभी मैं इसको आवाज देती हूँ। अभिषेक, अभिषेक, कपड़े कहाँ है? What's up? हाँ, व्लॉग बना रही। हाय बोलो। हाँ, हम लोग 3 दिन बाद मिल रहे हैं, मैं तो बताने भूल गई। नहीं, हम 3 दिन बाद ही मिल रहे हैं। नहीं, 2 दिन बाद मिल रहे हैं, हम परसों मिले थे। आ रही हूँ, पहले ना एक मेरा काम करो, अपनी गाड़ी अनलॉक करो प्लीज। अरे करो तो सही। इसने एक भी बार नाटक नहीं किया, आई एम श्योर। कर दी अनलॉक। अब जाओ जाओ, मैं आती हूँ ऊपर, जाओ। हाँ जाओ तो सही। हाँ ठीक है, जाओ। गया, लेकिन मुझे पता है ये गया नहीं होगा। अभी कहीं से तो छुप के देख रहा हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से शुरुआत होती, पहले तो मैं ज़रा लाइट्स ऑन कर लूँ तो आप लोगों को दिखे कि मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ। यहाँ से होती है शुरुआत। ओह वाह वाह वाह, यहीं पर आप देख सकते हैं, ये परफ्यूम भी यहीं पड़ा है, मास्क तो पड़ा ही है जो ये कभी नहीं पहनता। उसके बाद ये इसके आधे आधे खाए हुए चिप्स कुरकुरे, फिर चलो ठीक है, यहाँ तो थोड़ा तो साफ है यार। और अब जो आपको नजारा देखने को मिलने वाला है, गेट रेडी, है ना एकदम बढ़िया। इसकी कार कभी साफ नहीं रह सकती, मैं इससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती साफ सफाई के मामले। भाई, किसी बंदे का यहाँ सामान फैला, चलो ठीक है, इसका तो यहाँ यहाँ तक सामान फैला है। जारा भी वही है, खाना भी वही है, प्रोटीन भी यहीं पड़ा हुआ है। और यार खाइए ज़रा, देखूँ तो भाई भाई भाई, ये देखो। तो मैं अभिषेक के घर के बाहर आ चुकी हूँ, लेट्स मीट हिम। घर पर आते ही क्या आपने शूज देखे? शूज तो शू रैक में होते हैं, लेकिन यहाँ ये रहे।
शिट अभिषेक, अभी हेलो यार, कैसे हो तुम? बहुत बढ़िया। पता है ब्लॉग क्यों शूट कर रहे हो? कैसा लग रहा है तुम्हें दो दिन तक नहीं मिले तुम मुझसे? पहले तो हाँ यार, ऐसे लग, मतलब कितना ऐसे लग रहा है कि पता नहीं अरसों बाद मिल रहे हैं, आई स्वेयर। और दो दिन पहले मैंने इसको सेट पे ड्रॉप किया था और मेरा अभी शूट नहीं चल रहा है, इसका शूट चल रहा है। और तुम मतलब ऐसे लग रहा है कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं। चलो फिर अलमीरा सेट कर दो, अब इसका व्लॉग भी बनाने लग गई है इसको। हाँ, मैं तो घर से ही बनाती आ रही हूँ, पहले से ही मैंने सबको टॉपिक बता दिया है ताकि सब रेडी रहे तुम्हारी। मैंने कार पे थोड़ी सी दिखाई है। अरे तभी ओपन करवाया था हमने। चलो ठीक है, करो फिर सेट। बट सुंदर बहुत ज्यादा है, नहीं है इसने मेकअप नहीं उतारा भी से आगे ये शार लेते थे और आपने शार लिया, आपने मेरे को बोला मैं शार लेके आ रही हूँ। आई थिंक इसने मेकअप नहीं उतारा। चलो ठीक है, करो फिर सेट, मेरा रूम तो दिखा दो फिर। हाँ, मैं बैक कैमरा से रूम दिखाती हूँ। बाय। ये देखो कितना प्यारा है अभिषेक का रूम। यार पहले बताते हो व्लॉग बना रहे हो, मैं सेट करके रखता थोड़ा यार। आई स्वेयर, मतलब आप देखो बंदे के कपड़े तो ठीक है, कैप बीच बीच में एलिमेंट्स कैप डाल रही है ना जो ये, और फिर उसके बाद ड्रायर भी यही है। मैं आपको इसकी कबर्ड दिखाती हूँ फाइनली, वो तो मैंने दिखाई नहीं। अरे खोलो ना कबर्ड अपनी प्लीज। अरे रुको, मैं यहाँ जाती हूँ ना, नहीं तो दिखेगा कैसे लोगों को। हाँ लेट्स गो, 1 2 3। इतना भी गंदा नहीं है यार, यही सेट कर रहे हैं आपको थोड़ा सा, और बस ये थोड़ा सा देखते हो इधर, थोड़ा सा बस यही है थोड़ा सा, बस बाकी तो सब कुछ सेट है, एवरीथिंग इज गुड। बस इतना सा ईशा सेट करेगी, जैस्मिन सेट करेगी आज मेरा मेकअप। ये चलो अब मेरी वो निकल रही है, ये क्या है शिट। इसके आपको चार्जेस पड़ेंगे 1 lakh rupees पर 1 second। तो जल्दी करो, पहले ये सब कुछ सेट करो। रिंग लाइट हमने ऑन कर लिया क्योंकि हमें क्लियर फेस चाहिए था इस सुंदरी का। क्या हो गया? क्यों? अच्छा ठीक है, थोड़ी बहुत हेल्प मैं भी कराऊंगा, बस ये थोड़ा सा तो है यार, देखो कुछ भी नहीं है, बहुत कम है। और ये वाले बस सेट कर देना, ये वाला जो है ना ये सेट कर दो, फिर हम व्लॉग भी बना रहे हैं ना आपके लिए, कुछ के लिए। चलो कर दो सेट। और ये ईशा जी ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और पता नहीं क्यों गुस्से में है। क्यों गुस्से में हो बताओ, ओ गुस्सा क्यों है बता दो। वाह तुम तो तय भी बड़ा अच्छा करती हो, ये तो बताओ गुस्सा क्यों हो? ओ रीजन तो बता दो कि मैंने फोन नहीं दिया। अच्छा अपना फोन तो दो, मेरा फोन देना। गाइस ये गुस्सा इसलिए हो गया क्योंकि मैंने अपना फोन नहीं दिया इसको लिपस्टिक लगाने के लिए। और इसको क्या पता कल फिर से यही होने वाला, अगर कल फिर नहीं होगा मैं सेट करूंगा, सेट रखूंगा। ओ उठो ईशा। यार आई स्वेयर मैं ढंग से रखूंगा, इसको सेट तो करो यार, कितनी अच्छे तरह करती है देखो।
अगर मम्मी मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं तो मम्मी देखो इसमें ये भी खासियत है, बेचारी ने घर का काम भी कर लेती है। इसके फोन में हम शूट कर रहे थे और इसका फोन की मेमोरी पूरी हो गया, फिर इतना पैसा कमा के पहली बात तो क्या कह रहा ना, हाँ इतना पैसा कमाती है, मेरे से भी ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा उठा रही है, यही कमा रही है, यूट्यूब से ये कमा रही है, इंस्टाग्राम से ये कमा रही है, रील रूल सब पे, और शो से इतना कमा रही है भाई कि तब भी इसके पास फोन है आईफोन XS, भाई 11 आ गया, 12 प्रो मैक्स, 12 तो सब कुछ आ गया, 13 भी आने वाला है, और मैडम जी लेके बैठी हैं। और ये जो तुमने XS में मेरा फोन में तुम्हारा ए दिखा है, अरे ये रहा फोन, अरे तो इतनी देर से मैं काम कर रही थी, आई डोंट नो आप सब मुझे देख पाए कि नहीं, पर मैं बहुत ज्यादा बुरी हालत में, क्या है अभिषेक यार, तो और कैसे करूं, करता ना हूं मैं, और पता है मैंने इतनी, मैंने ना इसको 100 बार बोला होगा, फिर ये अपने कदम धीरे धीरे उठा के आया है आगे तक कि चलो मैं भी थोड़ा बहुत कर ही देता हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं तो इसके अलमीरा के अंदर ही बैठ गई हूँ कि भाई आई हैव नो ऑप्शन बडीज। पहली बात तो मेरे को, मैं खुद करता ही हूँ, पहली बात तो मैं क्या बोलने वाला था कि मैं काम कर रहा हूँ, उसको सारा थैंक यू आपको मेरे को बोलना चाहिए, मैं एडिट करता हूँ, मैं म्यूजिक लगाता हूँ, मैं इसको, हाँ भाई ये बोल दो, सारे कमेंट सेक्शन में भी बोल देना, सब कुछ आप ही करते हो, मैं ही इसको फोर्स करता हूँ कि प्लीज आओ व्लॉग। ओ तो ईशा जी ने तय कर दिया है कपड़े और अब ये सेटिंग, ओ वाह, अरे वाह, नीचे वाले तो रह गए, वो भी कर देना, ऐप क्यों उतार दी, क्योंकि मैं पूरी रामू काका बन चुकी हूँ और अब मैं बहुत ज्यादा थक गई, अब मुझे लगता है मुझे बांध लेना, इतना बड़ा भी काम कुछ बांध, एक तो इसने मार मार के मेरे पिंपल्स कर दिए फोरहेड पे, क्या मैं ये बांध सकती हूँ, क्या सिर पे बांधना था ना आपने, किसी भी मेरे ये ना मेरे, हाँ इसमें एक टैलेंट बहुत अच्छा है, किसी भी कपड़े को इतने अच्छे से पहनती है ना, उसको पूरा ऐसा लगता है कि इसी के लिए बनाओ, देखो हर चीज रामू काकी चलो सेट करो, ये जल्दी उठाओ जल्दी, हाँ ध्यान से नीचे कुछ पढ़ाना लग गए ना, इसको भूख लगी है, लेके आओ खाने को, किस किस ने कपड़ों ने, उन्होंने ईशा यार अब तुम आई गई हो ना, तो यार ये बस ये थोड़ा सा ही गंदा, ज्यादा गंदा तो नहीं है, मेरा थोड़ा सा ही रूम गंदा है, तो थोड़ा सा झाड़ू लगा देना, कहाँ जा रही हो, अच्छा ठीक है मत लगाओ, अरे मत लगाओ, हाथ आ जाएगा, हाथ छोड़ो प्लीज, मुझे जाने दो, ठीक है यही थोड़ा सा कर दो फिर चली जाना, ओ वाओ यार क्यूट भाई, वैसे ये वाइफ मटेरियल है, पता नहीं कौन इससे शादी करेगा कुछ बोलना चाहोगी इस पे, ऑफ कोर्स जो भी करेगा ही इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लकी।
मैं कुछ बोलना चाहता हूँ पर छोड़ो, व्लॉग कर रहा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा। बस अब तो बोल ही दिया, छोड़ो बोल के। कहाँ बोला मैंने? बोला तो कुछ नहीं ना, लोग सस्पेंस में तो रहेंगे। बोलना क्या चाह रहा था गाइस, कमेंट में जरूर बताना कि मैं बोलना क्या चाह रहा था। ओ वाओ सेटिंग दादा। मैंने इसको बोला, मैंने कहा मैं कुछ निकालूंगा तो यहाँ से कुछ ना कुछ निकल जाएगा। तो कहता है कौन से कपड़े निकालने हैं, तो ईशा ये वाली जीन्स निकाल के दिखाओ। ये क्या बिना इधर उधर किए कपड़े ना? और क्या, ये वाली? हाँ। पर अगर मैं निकालूंगा तो ये सारा इधर उधर हो जाएगा, तो मुझे लगता है मेरे को इसको बुलाना पड़ेगा कि ये कपड़े निकाल लो। अरे ये करो अब सर। ओ ये भी ऑलमोस्ट क्लीन सही लग रहा है। अच्छा अच्छा ये पकड़ा दो, थोड़ा काम तो कर लो अभिषेक। अभी बोला था कि फोन नहीं दूंगी, अब क्या हो गया? तुम पागल हो? आओ इधर आओ एक बार। वाओ यू लुक सो क्यूट। क्या क्या करना पड़ता है गाइस, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो मेरा मूड समझ रहे हो? दिखाऊंगा इसका कमरा भी। ये मेरा कमरा मैंने सेट किया है, मैंने, आप सबने देखा ही होगा, मैंने देखो मैंने सेट किया है। और ये अलमीरा भी मैंने सेट करी है। वो और मैं सोऊंगा बेचारी। तो यार ये कितनी हेल्पफुल है, इसने मेरी अलमीरा सेट करी, इसने मेरा रूम सेट करा, इसने मेरा ये बेड सेट करा। और मैं प्रॉमिस तो नहीं करूंगा बट मैं ट्राई करूंगा कि मैं ये सब चीजें साफ रखूं। और मैंने एक नेल कुछ ज्यादा ही कट कर दिया। और ये अब मेरे नेल्स भी काट रही है, वाह, क्योंकि मेरे से कटते नहीं, मेरे को डर सा लगता है। अरे ज्यादा मत काटो। अरे ज्यादा नहीं काट रही, एक सेकंड, उसको तो अब इवन करना पड़ेगा ना। तो मैम बोल रहा हूँ मेरा, हमने डिसाइड नहीं किया था, मतलब इसने डिसाइड तो किया हमने कि ब्लॉग शूट करते हैं। हाँ मैंने डिसाइड किया था, इसने नहीं क्योंकि हमारे पास जनरली मुझे बोला था, बट हमारे पास कोई ब्लॉग नहीं था, ब्लॉग्स नहीं थे, तो दैट्स व्हाई। और आई होप आपको पसंद आया होगा ये ब्लॉग। और ये हमने इसमें इसलिए रखा था कि कुछ गिरे ना। इट्स ओके मैम, यू आर नॉट दैट क्लीन, डोंट एक्ट लाइक। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, और अभिषा व्लॉग्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो करना। और अगला व्लॉग आप किस टॉपिक पे चाहते हो प्लीज ये लिख के हमें बताओ कमेंट सेक्शन में। बाय गाइस, मैं आपको forabet.com के बारे में याद दिलाना चाहूंगा फिर से। फॉलो द लिंक फ्रॉम डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट एंड चेक व्हाट बोनस forabet हैज फॉर यू। इट्स टाइम टू विन बिग, गुड लक।